अभी तक आप लोगों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ विशेष लोगों के द्वारा कायम किए गए कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सुने होंगे, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और अनबिलीवेबल होते हैं। इनमें अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो इंसान की जान तक जा सकती है। और आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानोगे, जिन्हें जो इंसान लाइव देख रहे थे उन्होंने देखते समय अपनी आंखें तक बंद कर ली थी, क्योंकि उसी क्षण वो उन आंखों से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम होते हुए भी देख सकते थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक लाइव डेथ को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जंप फ्रॉम स्पेस। जब भी कोई इंसान स्काई डाइविंग करने जाता है तो वो उसके पहले अपने डिसीजन को सैकड़ों बार बदलता है और फिर तब कहीं जाकर स्काई डाइविंग करता है, जबकि उसके साथ इसमें एक वेल ट्रेन स्काई डाइवर भी जाता है। लेकिन क्या आप मेरी इस बात पर बिलीव भी करोगे कि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने स्पेस से जंप लगा कर स्पेस डाइविंग की है और जिंदा पृथ्वी पर लैंड किया है? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया के स्काई डाइवर फेलिक्स बामगार्टनर ने 14 अक्टूबर 2012 को पृथ्वी से 1,27,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर वहां से जंप लगाई थी। और जब वो इस 39 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिर रहे थे तब उनकी स्पीड 1,357 किलोमीटर पर हावर तक पहुंच गई थी, जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है। और ये पहली बार हो रहा था जब कोई इंसान बिना किसी व्हीकल जैसे इक्विपमेंट के साउंड के बैरियर को तोड़ रहा हो। इस पूरी स्काई डाइविंग में फेलिक्स 4 मिनट 20 सेकंड तक आसमान में डाइव किए थे, जिसको कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये लम्हा उनके लिए कैसा रहा होगा। लेकिन दोस्तों, इस स्काई डाइविंग में एक और भी चीज है जो इसे और ज्यादा डरावना बनाती है, और वो है फेलिक्स का पृथ्वी से 1,27,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना। जनरली जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे यह तो कंफर्म हो जाता है कि इतनी ऊंचाई पर इन्हें कोई प्लेन तो नहीं पहुंचा सकता। तो इसके लिए दोस्तों इसमें एक खास प्रकार के हीलियम बैलून का उपयोग किया गया था, जिसमें ये अकेले ही बैठकर इतनी ऊंचाई पर गए थे। और इस पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके लिए जो सबसे कठिन चीज रियलाइज करने वाली है वो ये है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर 2014 को अमेरिका के रॉबर्ट एलन यूस्टेस ने 1,35,890 फीट की ऊंचाई से जंप लगाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसमें वो 4 मिनट 27 सेकंड तक आसमान में डाइव किए थे। नंबर 2, ट्विंस टॉवर वॉल्क। 7 अगस्त 1974 को अमेरिकन पुलिस ने एक फ्रेंच मैन फिलिप पेटिट को ट्विंस टावर से गिरफ्तार कर लिया था, और इसकी वजह थी उसकी कला, जिसकी वहां पर मौजूद लोग तो तारीफें कर रहे थे बट वहां की पुलिस उसे एक अपराध बता रही थी। दरअसल फिलिप एक वायर स्टंट मैन था जो फ्रांस की सड़कों पर अपनी कलाकारी दिखाया करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि न्यूयॉर्क में ट्विंस टावर नाम की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद है तो उसने उनके बीच स्टंट करने की ठान ली और 7 अगस्त 1974 को इलीगली एक आर्किटेक्चर वर्कर बनकर रात में दोनों टावर्स के बीच अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक हाफ इंच की वायर को बांध दिया और सुबह 1350 फीट की ऊंचाई पर इस 131 फीट लंबी वायर में अपना स्टंट करने लगा, जिसे जब लोगों ने देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये उसमें एक के बाद एक चक्कर लगाए ही जा रहा था और बीच बीच में उसमें लेट कर अपने स्टंट भी दिखा रहा था, जबकि इसके पास कोई भी इमरजेंसी में बचने का प्लान नहीं था। ना तो नीचे कोई जाली लगी हुई थी और ना ही इसने अपने आप को वायर में फंसाने के लिए कोई हुक लगा रखा था। एक छोटी सी भी गलती तुरंत मौत का कारण बन जाती, लेकिन फिलिप ने ये रिकॉर्ड कायम करके दिखाया। इसने टोटल 45 मिनट तक वायर वॉकिंग की थी, जिसमें 8 चक्कर लगाए थे, और बाद में पुलिस ने भी इसे बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया था। नंबर 3, इंसेन कार लिफ्टर।
आप लोगों ने दुनिया भर में ऐसे कई सारे ताकतवर लोगों को देखा होगा जो कई केजी वजन को अपने हाथों से उठा देते हैं। इवन उनके अंदर इतनी बेशुमार ताकत होती है कि वो कई क्विंटल्स की गाड़ियों को अकेले ही खींच देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों किसी गाड़ी को ना ही हाथ से उठाने की और ना ही खींचने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी को सर पर उठाने की। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के जॉन इवांस के पास 352 पाउंड की एक मिनी कार को सर पर उठाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इस कार को अपने सर से उठाया था बल्कि 33 सेकंड तक कार को बैलेंस करते हुए ऑडियंस के सामने चल कर भी दिखाया था, जिसमें अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता तो जॉन की गर्दन तक टूट जाती। नंबर 4, द कोकोनट स्मैशर। दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से कोकोनट को फोड़ने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, फिर चाहे हम उसमें जर्मनी के कारिम नोमिक के द्वारा सिर्फ एक मिनट में फोड़े गए 148 कोकोनट की बात कर रहे हों, या फिर पाकिस्तान के मोहम्मद राशिद के द्वारा टोटल 35 ग्रीन कोकोनट को सर से फोड़ने की बात कर रहे हों। लेकिन इसमें एक बात तो कंफर्म है कि ये उतने ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना कि इंडिया के करमजीत सिंह और कवलजीत सिंह के द्वारा कायम किया गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई 2014 को इन्होंने इटली के एक शो में 35 कोकोनट को आंख बंद करके हथौड़े से करमजीत सिंह की बॉडी के चारों तरफ फोड़ा था, और वो भी सिर्फ एक मिनट में, जिसमें कवलजीत सिंह की आंखें बंद करते समय उनके ऊपर नमक भी डाला गया था। अगर एक भी निशाना गलत बैठ जाता तो करमजीत सिंह की जान भी जा सकती थी, क्योंकि उन निशानों में उनका सर और वो सेंसिटिव पार्ट भी आ सकता था। नंबर 5, सुपर बाइक्स स्टॉपर। कोई भी इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए किस हद तक जा सकता है उसका अंदाजा आप ऑस्ट्रिया के फ्रांज मुलेनर से लगा सकते हो, जिन्हें ऑस्ट्रिया का द रॉक भी कहा जाता है। इन्होंने 4 सुपर बाइक्स को अपने हाथों और पैरों में बांधकर 23 सेकंड तक उनको रोके रखा था, और ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा डेंजरस था कि वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी आंखें तक बंद कर ली थी। इन बाइक्स को जो बाइकर्स चला रहे थे वो किसी ना किसी रेस में चैंपियन रह चुके थे, और उन्हें बाइक्स की स्पीड इतनी ज्यादा रखनी थी कि फ्रांज की बॉडी पर हमेशा प्रत्येक बाइक से 500 न्यूटन से भी ज्यादा का बल लगातार लगता रहे, जिसको फ्रांज की बॉडी ने बिना डैमेज हुए सह लिया था, और ये खतरनाक नेल बीटिंग रिकॉर्ड फ्रांज ने अपने नाम कर लिया था। नंबर 6, द हाईवेस्ट 20 सूट। जनरली हर किसी को मधुमक्खियों से डर लगता है, क्योंकि जहाँ पर वो अपना डंक मार देती हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होता है, और साथ ही कुछ साइंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 1000 के अराउंड मधुमक्खियाँ किसी एडल्ट इंसान को भी बाइट कर लें तब भी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसके नाम पूरे 63.7 केजी मधुमक्खियों से अपने बदन को ढकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो इंसान है चाइना का रुओन लियोंग मिंग। जी हाँ दोस्तों, 2016 में इसने अपने शरीर को सबसे ज्यादा मधुमक्खियों से ढकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनकी संख्या लगभग 6,37,000 थी। दरअसल रुओन को मधुमक्खियों के बाइट करने से कोई भी एलर्जी नहीं होती है, और इसी का फायदा उठाकर उसने अपने पूरे शरीर को इनसे ढक लिया था, जिसमें उसकी 60 क्यून 20 भी मौजूद थी, जिन्होंने एक खास केमिकल को रिलीज करके सारी मधुमक्खियों को उसके ऊपर बैठने के लिए अट्रैक्ट किया था। नंबर 7, द ओल्डेस्ट विंग वॉकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विंग वॉकिंग एक बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर सांस की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और मौत का डर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इसमें सबसे ज्यादा उम्र में विंग वॉकिंग करने का रिकॉर्ड बनाने में एक रेस जैसी चली है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के थॉमस लैकी ने 80 वर्ष की उम्र में विंग वॉकिंग करके सबसे पहले ओल्डेस्ट विंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। लेकिन फिर से इन्होंने एक बार और विंग वॉकिंग की, और तब इनकी उम्र थी 93 साल, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनका ये रिकॉर्ड इन फ्यूचर कोई तोड़ पाए। पर 9 अप्रैल 2022 को आइवर बटन ने 95 इयर्स की एज में विंग वॉकिंग करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नंबर 8, हाईएस्ट स्की जंप।
नॉर्मली जब भी कोई ऊंचाई से जंप लगाता है तो वो बचने के लिए पैरासूट का यूज करता है, लेकिन इस जंप में मैथ्यू जेमिसन पियरे ने ना तो कोई हेलमेट पहन रखा था और ना ही कोई पैरासूट, और 255 फीट की ऊंचाई से इसकी जंप लगा दी थी जिसको आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ये जिस जगह पर गिरे थे वहाँ की बर्फ में 10 फीट गहरा छेद हो गया था जिसमें इनको कुछ चोटें भी लग गई थी और इनके दोस्तों ने ही इन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाला था। नंबर 9, हाईएस्ट पूल डाइव। पानी में गोते लगाना हम सभी को पसंद आता है, इवन ये हमारे इंटरटेनमेंट का एक जरिया भी होता है, लेकिन आज हम जिस पूल डाइव की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पूल डाइव है जो कि लाशो स्कॉलर के द्वारा की गई थी। इन्होंने 200 फीट की ऊंचाई से एक पूल में जंप लगाई थी और जब ये नीचे आ रहे थे तब इनकी स्पीड 123 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी जिसमें लगने वाला समय सिर्फ 3.58 सेकंड का था। नॉर्मली जब हम पानी में कम हाइट से डाइव लगाते हैं तो पानी हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन जब इतनी ज्यादा हाइट के साथ साथ स्पीड भी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है तब यही पानी एक कंक्रीट की दीवार के जैसा हमारी बॉडी में लगता है और बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर देता है, जो कि लासो स्कॉलर की बॉडी में भी हुआ। इस डाइव में इनकी टांगों के ऊपर और कमर के नीचे मौजूद एक हड्डी खिसक गई थी जिसे हम शुद्ध हिंदी भाषा में कूल बोलते हैं। नंबर 10, द आइसमैन जेडी एडर्सन। हम सभी को ये पता है कि ये आइस के ब्लॉक्स कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये चीज शायद जेडी एडर्सन को नहीं पता है क्योंकि इन्होंने 2018 में सिर्फ एक मिनट में 88 आइस ब्लॉक्स को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसके चलते इन्हें आइस मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों दुनिया के टॉप 10 डेंजरस वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो। उम्मीद है आपको ये काफी पसंद आया होगा जिसके चलते आप इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।